सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें हमने प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम मान के चलेंगे कि जो हमारे पास रूट 5 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर है तो हमारे पास आ जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू ए ओवर बी। किसकी फॉर्म का होगा? ए ओवर बी का। सो वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड। यह जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए ओवर बी का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। मीन्स 5 जो है डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। सो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसी तरह से 5 डिवाइड करेगा ए को भी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब हम मान के चलेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 5 सी, वेयर सी इज एन इंटीजर और ए की वैल्यू जो है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 2 से फर्स्ट में भरेंगे। सो हमारे पास एक जगह पर आएगा 5 सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। 5 का 25 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। मीन्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर और 5 जो है वो डिवाइड करेगा बी को भी। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एन, वेयर एन इज एन इंटीजर। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। यू कैन सी हियर ए एंड बी हैज अ कॉमन फैक्टर 5। सो विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थोड़ा हम इसको रीरेज कर लेंगे, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो निकालनी है, मतलब x की हमने वैल्यू निकालनी है और जो जीरो आएंगी इसकी और कोएफिशिएंट उसके बीच जो रिलेशनशिप बनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके साथ। सो हेयर ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू माइनस 7 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 3। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट होता है a मल्टीप्लाई सी, सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई सी दैट इज कांस्टेंट। ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 18 और सम होता है दिस इज इक्वल टू b जो कोएफिशिएंट होगा x का और यहाँ पे b कितना है? माइनस 7। अब हम जो 18 आया माइनस 18, 18 के हम पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, 6 थ्री द 18 और 9 टू द 18। सो और इन फैक्टर में से हमने एक ऐसा फैक्टर लेना है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आए? माइनस 19 और सम करें उसका तो हमारे पास माइनस 7 आए। तो हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम साइन थोड़ा रीरेंज कर लेते हैं, हमें माइनस 7 चाहिए तो विगर नंबर के साइन लगाएंगे माइनस का, तो माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 दैट इज माइनस 18 और जब हम माइनस 9 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस 7। तो फैक्टर आ गए हमारे पास माइनस 9 और
प्लस टू. सो यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. अब इसमें कॉमन है हमारे पास 6 और 9 3 के टेबल में आता है, 3 टेकन आउटसाइड, और यहां पे x भी कॉमन है, x निकाल लेंगे, यहां पे बच जाएगा 2x और इधर माइनस 3 और आगे 2x माइनस 3. अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 और इधर हमारे पास बच गया 3x और यहां पे प्लस 1. आइदर हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 और इधर 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3. सो इस तरह से हमारे पास दो जीरो आ जाएंगी, 3/2 और माइनस 1/3. अब जो हमारे पास जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे, अभी मान लेते हैं हमारे पास ये आ गया अल्फा, फर्स्ट वन जीरो और दूसरी बीटा. सो सम निकालेंगे जीरो का, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए. तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 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 1/3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी हमारे पास यहां पे है माइनस 7 और ए कितना है 6. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया 6 और इधर 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 7/6. तो यहाँ पे आ जाएगा 9 − 2 दैट इज 7/6 इज इक्वल टू 7/6. ये तो हमारे पास सम जो वेरीफाई हो गया. अब हम लेंगे प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसका होता है, सी अपॉन ए. अल्फा हमारे पास है 3/2 और बीटा है माइनस 1/3 इक्वल टू सी. सी हमारे पास है माइनस 3 और ए हमारे पास 6. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/6 माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस 3/6. इस तरह से हमारे पास जो कॉफिशियट और जीरो के बीच का रिलेशन जो वो वेरीफाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग. शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट टू डेज and an additional charge for each day thereafter. Latika paid rest 22 for a book kept for 6 days, while Anand paid rest 16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. So, हमारे पास इस question में given है, एक shopkeeper है, वो book जो है rent के ऊपर देता है reading के लिए, और जो लड़की है हमारे पास लतिका, वो हमारे पास पेड करती है 22 रुपी फॉर 6 डे के लिए, और हमारे पास आनंद जो है वो रेस्ट 16 फॉर 4 डेज के लिए. तो हमने जो फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा पर डे, वो हमने निकालना है. तो इसके लिए हम मान के चलेंगे, लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास मैंने मान लिया एक्स, और जो एडिशनल चार्ज है वो मैंने मान लिया वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नंबर ऑफ डेज फॉर लतिका इक्वल टू 2 + 4 एंड हेंस चार्ज आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 22. मैंने यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज थे लतिका के लिए वो 6 थे, उसको मैंने 2 + 4 इसलिए लिखा क्योंकि जो फर्स्ट 2 डे के लिए चार्ज फिक्स होगा और जो 4 एडिशनल डे होंगे उनके लिए चार्ज एक्स्ट्रा होगा. सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, फिक्स के लिए हमारे पास x माना है मैंने, और जो एक्स्ट्रा डे के लिए वो वाई माना है, तो यहाँ पे 4y हो जाएगा. अब इसी तरह से मैं अनंत के लिए निकाल लूंगा, अनंत जो है वो 4 डे के लिए लेता है बुक को, तो यहाँ पे जाएगा 2 + 2, इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितने डे के लिए हमारे पास वो 4 डे के लिए 16 रुपी पे कर रहा है, तो हमारे पास ये बन जाएगी, मैं इसको दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, दिस इज 2.
अब हम क्वेश्चन वन और टू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस फोर वाई इक्वल टू 22 और x प्लस टू वाई इक्वल टू 16। अब हम मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा तो माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पे जाएगा 2y इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 22 माइनस 16 दैट इज 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर 2 दैट इज y इज इक्वल टू 3। अब हम x भी निकाल सकते हैं तो वो जो हमारे पास इक्वेशन ये 2 है इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू y की, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई 3 है इज इक्वल टू 16, सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 माइनस 6, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो फर्स्ट टू के लिए फिक्स चार्ज है फर्स्ट टू डे के लिए वो 10 रुपी हो गया, और जो हमारे पास एडिशनल चार्ज है फॉर वन डे नेक्स्ट वन डे आफ्टर टू डेज दैट इज 3। इस तरह से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई उसको आप चेक कर सकते हो। तो जो ये इक्वेशन है जैसे ये वाली इक्वेशन इसमें मैं पुट कर देता हूँ, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10 और y की जगह 3, दिस इज इक्वल टू 22, तो 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, 22 इज इक्वल टू 22, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो हमारे पास ये जो हमने आंसर निकाला वो हमारे पास करेक्ट है। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hours, वट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेसेज हैं ए और बी और दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और एक कार जो है वो ए से स्टार्ट करती है मूव करना और दूसरी बी से, तो वो हमारे पास दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगी डिफरेंट स्पीड के साथ वो तो हमारे पास 5 घंटे के बाद मिलती है। अगर वो ट्रैवल करें दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक नॉर्थ की तरफ जा रही है दूसरी साउथ की तरफ, वो 1 घंटे के बाद मीट करती है, तो हमने जो स्पीड होगी कार की टू कार की वो निकाल ली है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, हमने दो प्लेसेस ए और बी मान लिए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो कार जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मान लो वो इस तरफ मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो मान लो दोनों वो 5 घंटे के बाद 5 hour के बाद पी पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस होती है दिस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 100। नाउ ए पी क्या है, जो डिस्टेंस कवर की है किसने, फर्स्ट कार ने, तो वो हमारे पास आ जाएगी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड मान लेते हैं जो फर्स्ट कार है उसकी फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो एक्स मान ली मैंने किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी कार है सेकंड कार उसकी स्पीड मैंने मान ली वाई किलोमीटर पर आवर। सो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी इन दैट केस फर्स्ट कार के केस में जो उसने कवर की ए पी, और ए पी को हम लिख सकते हैं टाइम लिया उसने 5 hours और स्पीड क्या है उसकी x, तो ये बन जाएगा 5x। और इसी तरह से बी पी हमारे पास आ जाएगा 5y, दिस इज इक्वल टू 100। थोड़ा इसको रिरेंज करेंगे, 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, और इधर 5 कॉमन ले लिया है तो इस साइड जाके वो डिवाइड बाई हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 100 ओवर 5, तो बन जाएगा 20। सो x माइनस वाई इक्वल टू 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन, जब दोनों कार जो है वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब जो कार जो है एक कार फर्स्ट कार यहाँ से मूव करना उसने शुरू किया ए से, और जो सेकंड वाली है बी से, तो मान लेते हैं वो बी आगे क्यू पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, तो हमारे पास इन दैट केस जो डिस्टेंस कवर करेगी फर्स्ट कार ए क्यू आ जाएगी और सेकंड कार बी क्यू, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यू और प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है,
यहाँ पे देख सकते हो आप ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है 100 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 100। सो ए क्यू आ जाएगा हमारे पास, और कितना टाइम लेती है वो 1 आवर्स जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम कर देंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई के साथ वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू 120 ओवर 2, एक्स इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब हम सेकंड की निकालेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में से एक में वैल्यू भर देंगे x की, तो ये हमारे पास बन गया 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। सो y को इस साइड ले जाएंगे, 20 को इस साइड लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 20, सो दिस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर्स। सो जो हमारे पास सेकंड कार है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन द फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। हमारे पास एक जो पी क्यू जो है इस सर्कल की कॉर्ड है, और जो इसकी लेंथ है पी और क्यू की वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है सर्कल का वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। जो ये कॉर्ड थी यहाँ पे हमारे पास ये पी क्यू यहाँ से पास होते हुए हमने दो टेंजेंट ड्रॉन किए हैं और वो टी पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो लेंथ है हमारे पास टी पी, इसको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन डायग्राम में आप देख सकते हो, जो हमारे पास ये टी ओ जो है ये हमारे पास दिस इज द परपेंडिकुलर वाई सेक्टर ऑफ दिस कॉर्ड पी क्यू, मतलब जो ये टी क्यू है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पी और क्यू को। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब हमारे पास पी आर और आर क्यू इक्वल होगा, टोटल लेंथ 8 है तो हमारे पास जो पी आर ये भी 4 हो जाएगा और ये भी आर क्यू भी 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। थोड़ा इसको रीरेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ओ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओ पी हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस पी आर 4 है 4 का स्क्वायर, 5 5 25 4 4 16 25 माइनस 16 दैट इज 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस तरह से जो ओ आर है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे पास ये टेंजेंट को हमने जो सेंटर ऑफ सर्कल के साथ मिलाया हुआ है, तो हमारे पास ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल जो पी है, तो हमारे पास जो एंगल बना टी पी आर ये वाला और प्लस आर पी ओ ये, इन दोनों एंगलों को मिला के हमारे पास कितना बन रहा है 90। सो इसी तरह से एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में आप यहाँ पे देखते हो जो एंगल ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो हमारे पास जो एंगल बना टी पी आर ये वाला एंगल और प्लस पी टी आर ये भी कितना होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि हमारे पास ये 90 है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 90 हुआ, तो हमारे पास इन दोनों एंगलों का सम भी 90 होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो एंगल टी पी आर प्लस पी टी आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये दोनों साइड ये इक्वल है और ये भी इक्वल, सो हमारे पास जो एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल पी टी आर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन गई टी पी आर सिमिलर हो जाएगी पी आर ओ के, क्योंकि यहाँ पे एंगल एंगल रूल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आ जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स पी टी आर और पी आर ओ सिमिलर है तो हमारे पास जो साइड की रेशियो होगी वो इक्वल होगी, तो हमारे पास आ जाएगा टी पी ओवर पी ओ
equal to RP over RO. फिर उसके बाद हम जो हमारे पास ये पी ओ आर पी और आर ओ की वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास टी पी की वैल्यू आ जाएगी. सो टी पी ओवर पी ओ हमारे पास 5 है, आर पी 4 है और आर ओ 3 है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 ओवर 20, 20 ओवर 3, तो टी पी हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आ जाएगी 20 ओवर 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. प्रूव दैट tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta cosecant theta. सॉल्यूशन हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta. अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास cot theta होता है वो किसके बराबर होता है, 1 over tan theta के साथ बराबर. तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा tan theta over 1 minus 1 over tan theta plus कॉट की जगह हम भर देंगे 1 ओवर 10 ओवर 1 माइनस tan थीटा. अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा और इधर जाएगा tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पे ये tan थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ये बन जाएगा 1 ओवर tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा. अब हम थोड़ा इसको रीरेंज करेंगे, 1 माइनस tan थीटा है तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस हमें बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा. तो ये हमारे पास ही बन जाएगा tan square theta over tan theta minus 1 और यहाँ पे जाएगा minus 1 over tan theta और इसकी जगह पे आ गया हमारे पास tan theta minus 1. अब हम इसका LCM लेंगे इन दोनों का तो हमारे पास ये बन जाएगा tan theta minus 1. सो यहाँ पे tan theta minus 1 ये कट हो जाएगा, tan theta बचेगा तो यहाँ पे tan square theta तो multiply tan theta के बन जाएगा tan cube theta minus और यहाँ पे 1. सो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ए क्यूब माइनस वी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस वी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वेयर. सो हमारे पास यहाँ पे ए क्या है tan थीटा और बी क्या है 1, तो हमारे पास ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 और इधर tan स्क्वेयर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1. tan theta minus 1 cancel with tan theta minus 1. So we have left with the tan square theta plus tan theta plus 1 over tan theta. But 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. So हम यहाँ पे tan square theta plus 1 की जगह पे भर देंगे secant square theta plus tan theta over tan theta. This is equal to, अब separate करके लिख देंगे secant square theta over tan theta plus tan theta over tan theta कट हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा plus 1. This is equal to secant square theta हो जाएगा 1 over cos square theta multiply tan theta को हम लिख देंगे sin theta over cos theta plus 1. So यहाँ पे cos theta square के साथ cancel हो जाएगा, we have left with 1 over cos theta sin theta plus 1. अब separate करके लिख देंगे 1 over cos theta multiply 1 over sin theta plus 1 और 1 over cos theta होता है secant theta और 1 ओवर साइन कोसेकेंट थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. हमारे पास गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और किसके बराबर है रूट 3 के बराबर, तब हमने प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. इसका सोल्यूशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है रूट 3 के बराबर. सो अगर हम इन दोनों साइड स्क्वेयर कर दें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वेयर और यहाँ पे जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3. सो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाएंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3. अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, फिर इधर 2 मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवाइड बाई होगा कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा ये 1 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज साइन साइन थीटा
और यहाँ पे कॉस थीटा कट हो जाएगा तो ऊपर साइन स्क्वेयर थीटा, इधर साइन थीटा कट हो जाएगा तो कॉस स्क्वेयर थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा वन, वन ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, वन के बराबर है, यहाँ पे पुट कर देगा वन ओवर वन, दिस इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, दो डाइस जो है उसको हम थ्रोन करते हैं सेम टाइम के ऊपर, तो जो हमारे पास सम आएगा ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का द डाइस उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हमारे पास जो सम आए एट। देखो हमारे पास जब हम टू डाइस को थ्रोन करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो आएंगे हमारे पास 36। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एट ऑन द डाइस इज इक्वल टू, एट कब कब आ सकते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट के लिए जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम आ सकती है, दूसरे के लिए भी क्या जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आ सकता है कोई भी, तो इसके लिए हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बनते हैं 36। और जब हमारे पास दोनों डाइस के ऊपर, जैसे मान लो आपके पास कितना बताया यहाँ पे 8, तो 6 + 2 8, एक ये से आ गया, फिर हमारे पास 3 + 5 8 4 4 8, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। अब सेकंड में पूछा है जब 13 आएगा, 13 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डाइस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मान लो 6, 6 भी आ जाता है दोनों के ऊपर, तो 12 भी बना 13 नहीं बना, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0/36, लेस देन और इक्वल टू 12। लेस देन और इक्वल टू 12 मीन्स 12 से लेस और इक्वल टू 12, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल का 36/36, दिस इज इक्वल टू 1।